दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम अपडेट देंगे कंगुआ का रिलीज डेट क्या होने वाला है। मैंने आपको याद होगा तो दो तीन दिन पहले बताया था कंगुआ का रिलीज डेट चेंज हो सकता है, चेंज हो रहा है क्योंकि रजनीकांत की मूवी एक है विटियन, ये आने वाली है सेम टाइम पे जब कंगुआ आने वाली थी 10 अक्टूबर को, इसी टाइम में रजनीकांत की मूवी आने वाली है। तो इसी की वजह से जो इसके मूवी के मतलब मेन कैरेक्टर हैं सूर्या कंगुआ के, उन्होंने खुद अपने उनके भाई का म्यूजिक इवेंट हो रहा था, किसी मतलब उनके भाई का एक मूवी का सॉन्ग का टाइटल अनाउंसमेंट हुआ था मूवी के सॉन्ग का, तो उसी में वो गए थे। तो पब्लिकली ये बात बताया था कि उनका कंगुआ का मूवी का रिलीज डेट चेंज होने वाला है क्योंकि ये साउथ इंडस्ट्री में किसी बड़े एक्टर का एक साथ मूवी नहीं आया, क्लेश नहीं किया है, इसीलिए वो आगे भी नहीं करना चाहते हैं। और उसमें भी से भी बहुत बड़े मतलब महान सुपरस्टार साउथ के रजनीकांत के थ्रू तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्हीं को देखकर वो सूर्या कह रहे थे कि बड़ा हुआ है, तो उनके खिलाफ वो मूवी नहीं लाना चाहते हैं। तो इसीलिए वो सम्मान के वजह से ये मूवी का रिलीज डेट चेंज किए, ऐसा नहीं कि डर की वजह से या कलेश की वजह से। ये जाहिर सी बात है कि दोनों मूवी अगर आती कंगुआ और विटियन 10 अक्टूबर को तो दोनों ही मूवी कलेश करती और दोनों ही मूवी का थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट मतलब जो है लॉस जरूर होता, प्रॉफिट दोनों का होता लेकिन किसी का ज़्यादा होता तो किसी का कम होता, लेकिन दोनों का कलेक्शन होता। तो इसीलिए ये जानबूझकर सूर्या ने सम्मान करते हुए रजनीकांत का अपने मूवी का रिलीजिंग डेट चेंज किया है। और मैं आपको बता दूँ ये अपने मूवी का जो रिलीजिंग डेट रखे हैं सूर्या, 14 नवंबर को अब कंगुआ आने वाली है, कार्तिक आर्यन की न्यू मूवी भूल भुलैया 3 1 नवंबर को आने वाली है, आपको तो पता होगा, और सेम टाइम में सिंघम अगेन भी आने वाली थी 1 नवंबर को, आपको पता होगा सिंघम अगेन 15 अगस्त को आने वाली थी लेकिन अभी वहां पे पुष्पा 2 सेम टाइम पे आ रही थी 15 अगस्त को ही, तो इसीलिए ये सिंघम अगेन का रिलीजिंग डेट चेंज करके 1 नवंबर को रखा गया और फिर पुष्पा 2 भी बाद में अपना रिलीजिंग डेट चेंज करके दिसंबर को रख दी। तो इसीलिए 1 नवंबर को दोनों कलेश करने वाली थी, बॉलीवुड की मूवी भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन। तो कार्तिक आर्यन ने खुद जो सिंघम अगेन के डायरेक्टर रोहित सेठी से बोला, कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई थी, मैंने कल भी अपडेट दिया था आपको, कि बोला कि आप मेरे साथ इन मूवी को रिलीज नहीं करिए क्योंकि ये जो मूवी है मैं इसे एक अच्छा मूवी बनाना चाहता हूँ और स्त्री से कम्पीट करना चाहता हूँ, तो इसमें बजट भी एक तो लगा है, तो इसलिए आप पहले रिलीज कर लीजिए सिंघम अगेन 1 नवंबर को, या तो फिर मैं रिलीज डेट पोस्टपोन करके आगे बढ़ाता हूँ या फिर आप बढ़ा दीजिए। तो ये रोहित शेट्टी जो है सिंघम अगेन डायरेक्टर वो मान गए और वो बोले कि चलिए मैं 14 नवंबर को ही अपना रिलीज डेट रख देता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर घबराने वाली बात यह है कि कंगुआ का भी रिलीज डेट चेंज हो गया, 10 अक्टूबर को आने वाली थी लेकिन अब 14 नवंबर को भी आने वाली है, तो ये 14 नवंबर को जो सिंघम अगेन आई उसका भी बिजनेस खा जाएगी कंगुआ, क्योंकि कंगुआ का अभी के टाइम में हाइप ज़्यादा है सिंघम अगेन से ज़्यादा और भूल भुलैया से ज़्यादा। भूल भुलैया का तो बिजनेस चौपट नहीं होगा क्योंकि 1 नवंबर को भूल भुलैया आ रही है, तो 14 तारीख तक उसका कलेक्शन इतना हो जाएगा कि वो मतलब अपना प्रॉफिट भी जनरेट अच्छा खासा कर लेगी, फिर भी थोड़ा मोड़ा इफेक्ट करेगी भूल भुलैया 3 पे, लेकिन अब ज़्यादा इफेक्ट सिंघम अगेन पर करने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है, अभी मुझे नहीं लगता कंगुआ का रिलीजिंग डेट जो है वो चेंज होने वाला, सिंघम अगेन का रिलीजिंग डेट चेंज हो सकता है शायद से, देखेंगे आगे क्या अपडेट आता है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि 2-3 मूवी एक साथ कलेश करने वाली है, 1-2 मूवी आने वाली है, 14 नवंबर को सिंघम अगेन आने वाली है, 14 नवंबर को कंगुआ आने वाली है क्योंकि ये 10 अक्टूबर को आने वाली थी कंगुआ, तो विटियन की वजह से अपना रिलीजिंग डेट चेंज करके 14 नवंबर को आने वाली है कंगुआ और इसी टाइम में सिंघम अगेन भी आने वाली है 14 नवंबर को और 1 नवंबर को भूल भुलैया 3। तो देखते हैं क्या कलेश होता है तीनों मूवी के साथ और किसका रिलीज डेट चेंज होता है, ये भी आज को आपको हम बताएंगे अपडेट में। आज के इतना ही, मिलेंगे जय श्री राम।